वैसे प्रज्ञा कब तक किराए के घर में रहेगी यार? आकाश से बात कर, कुछ अपना शुरू करो, क्योंकि कंपनी में नौकर बन के रहने से तो अच्छा है कि कुछ अपना ही होना चाहिए ना। अरे दीदी, हम भी कुछ सालों में ले लेंगे अपना घर, और आकाश दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। यू नो, अभी हमने जीके में बंगलो लिया। अच्छा, क्या? आई थिंक यू शुड कम फॉर डिनर, हम जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं वहाँ पे। हाँ, और छोटे से घर में कब तक रहेगी यार? बात कर आकाश से। हाँ, अपना घर तो अपना ही होता है। हाँ दीदी। अच्छा लिसन ना, हम लोग पेरिस जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? आप पेरिस जा रहे हो? या अब दीदी, आकाश को तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ओ या सॉरी, आई फॉरगॉट। हाँ, वो तो नौकरी करता है ना। या राइट, ठीक है, आई विल सेंड यू पिक्चर्स देन। ठीक है दी, चल बाय। अब इन्होंने BMW भी ले ली। यार आकाश, तुम कब तक ये 9 से 5 की नौकरी करते रहोगे? क्या हो गया अचानक से? यार तुम ये कब तक ऐसे नौकर बने काम करते रहोगे? तुम कुछ अपना क्यों नहीं करते, जैसे जीजा जी कर रहे हैं? कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार वो। हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, जीजा जी और दीदी ने ना अभी नया बंगलो लिया। वो लोग अभी अभी पेरिस ट्रिप से आए हैं, और ये देखो उन्होंने नई BMW कार भी ली है। और हम क्या कर रहे हैं, ये किराए के घर में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होगा हमारा। यार प्लीज शांत हो जाओ ना तुम। नहीं होना मुझे शांत, क्या करूं मैं शांत रह के? और वैसे भी मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ इस गरीबी जिंदगी में। अगर तुम मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते ना, तो इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है आकाश। क्या क्या सुनो, तुमने न्यूज देखी आज? नहीं, क्यों, क्या हुआ? ये देखो। अरे ये तो जीजा जी की न्यूज दिखा रहे हैं। जीजा जी स्मगलर है? हाँ, तुम्हारे जीजा जी स्मगलिंग करते हैं। ओ, तो ये लोग ये सब करके इतने अमीर बन रहे थे, और दीदी ऐसे शो ऑफ करती थी जैसे जीजा जी पता नहीं कितना अच्छा काम करते हो। तो देख लिया ना तुमने, तुम इनके चक्कर में अपने घर में कलेश कर रही थी। I'm really sorry. वो दीदी फोन करती थी और बताती थी जब भी ना, तो मेरे को लगता था उनके पास इतना सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। I'm sorry. It's okay. But प्रज्ञा, तुम्हें ना समझना चाहिए कि हम ऐसे किसी को भी देख के ना अपने घर में कलेश नहीं कर सकते, और हमारे पास जो भी है ना वो इनफ है। और शो ऑफ और लालच के चक्कर में ना हमेशा चीजें खराब ही होती हैं। अब मुझे समझ आ गया, अब I'm really sorry. It's okay. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously, and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.